Welcome back, dear students. In geography, optional by Aditya's online classes, and here we are discussing polity. Dear students, आज का जो आपका वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे संघात्मक व्यवस्था और साथ ही साथ एकात्मक व्यवस्था. एक तुलनात्मक स्टडी करेंगे हम, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे. दोनों को ही समझने का प्रयास करेंगे क्या इनका मतलब है अलग अलग और किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से अलग है. इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने मुख्यमंत्री और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी. आज का जो ये वीडियो है इसमें संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. आज कल सर्दियाँ बढ़ गई हैं डियर स्पेड, तो थोड़ा आप भी लोग बस बचा कर रहे हैं, ठीक है. समस्याएँ बढ़ जाती हैं और बहुत ही ध्यान से सभी लोग बस बचा कर रहे हैं और अपने रजाई में बैठ के पढ़ाई करें, उसका आनंद लें, ठीक है. बाहर निकलने का प्रयास कम करें, अगर जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकले. संघात्मक व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था की बात करते हैं. इसे इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहते हैं, परिसंघ भी कहते हैं संघात्मक को. और ये मुख्यतः यूएसए का एक मतलब कहिए ब्रेन चाइल्ड है, यूएसए का सिस्टम है. और सबसे पहले यूएसए में इस तरह का सिस्टम आए थे, फेडरल सिस्टम. दूसरा जो आपका है एकात्मक व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम, ये ब्रिटेन का ब्रेन चाइल्ड है, मतलब ब्रिटेन में पहले आया. तो इन दोनों को हम अलग अलग देखेंगे. और पूरी दुनिया में जो संघात्मक या फिर एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो ये इन्हीं दोनों से मूल रूप से निकला हुआ है और विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वो फॉलो करते हैं इन्हीं को बेस मानकर, आधार मानकर. तो पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब फेडरल सिस्टम है उसकी कार्यविधि है, उसकी विशेषताएँ हैं, और जो आपका यूनिटरी सिस्टम है उसकी विशेषताएँ कार्य हैं. उसके बाद हम देखेंगे दोनों में अंतर, मतलब इसी माध्यम से दोनों में अंतर को भी देखते हुए चलेंगे. ओके, तो एक दिमाग में आपको क्वेश्चन फ्रेम करने का जो एक आइडिया, क्वेश्चन आते रहे हैं इस पर, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बन सकता है. और कुछ प्रश्न भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकेंगे. तो यही चर्चा करना शुरू करते हैं. फेडरल सिस्टम की बात करें देखिए, तो सबसे पहले बात कर कि केंद्र और राज्य को समान हैसियत प्राप्त होती है, मतलब कि केंद्र इज इक्वल टू राज्य. जितनी पावर राज्य के पास उतनी पावर केंद्र के पास. जो फेडरल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है और जो स्टेट होता है दोनों को समान हैसियत प्राप्त होती है. ऐसा नहीं होता कि सेंटर बहुत ताकतवर हो गया, स्टेट बहुत मतलब कम ताकतवर रह गया, ठीक है, बहुत ही ऐसा नहीं होता है. मतलब दोनों को पावर इक्वल रहता है. ये यहाँ पर हमें इक्वलिटी दिखाई देती है किसमें, फेडरल सिस्टम. और यूएसए में आप देखेंगे तो 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट के पास भी अलग अलग अपना संविधान है और वहाँ पे उनकी शक्तियाँ भी एक समान है. राज्य जो सेंटर है वो कोई थोप नहीं सकता स्टेट के ऊपर कोई बात, और स्टेट थोप नहीं सकता सेंटर के ऊपर. तो इस प्रकार से देखेंगे आप तो एक समान हैसियत की स्थिति हमें दिखाई देती है. वहीं बात करते हैं हम यूनिटरी सिस्टम में, तो यहाँ देखते हैं कि जब केंद्र की स्थिति मजबूत होती है और क्या होता है प्रांत कमजोर होता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम. मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो आपका सेंटर है वो क्या होता है मजबूत होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा पावर्स होती हैं, और जो आपका प्रांत होता है यानी कि जो प्रोविंस होता है, जो स्टेट होता है, वो आपका कमज़ोर होता है, वीक होता है. इस वजह से इस तरह का जो सिस्टम हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था. तो दो आपको मूलभूत अंतर और दो विशेषताएँ आपको दिखी. फेडरल सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों समान हैसियत वाले होते हैं. और यूनिटरी सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि केंद्र जो है मजबूत स्थिति में होता है और प्रांत कमज़ोर होता है, ठीक है. तो मतलब दोनों के लक्षण हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे. विशेषताओं की बात करें तो शक्तियों का केंद्र और प्रांत के बीच संवैधानिक विभाजन होता है. मतलब संविधान के माध्यम से कौन कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास और कौन सी शक्तियाँ राज्य के पास, उनका एकदम इक्वल इक्वल विभाजन किया जाता है आपके फेडरल सिस्टम में, ठीक है. संविधान शक्ति केंद्र को भी देता है और राज्य को भी शक्ति देगा, ठीक है ना. लेकिन आप देखेंगे यूनिटरी सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, संविधान सारी शक्तियाँ जो होता है वो केंद्र को नहीं देता है, मतलब केंद्र में नहीं करता है कि भाई सारी पावर्स जो है इसमें सेंटर को दी जाती है. अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि संविधान देता है किसको, सेंटर को, मतलब कि केंद्र को देता है. अब केंद्र अगर चाहे तो राज्य को कुछ शक्तियाँ दे सकता है कि ठीक है आपको ये पावर दी जाती है. तो यहाँ पर अब ये हो गया कि केंद्र के वॉलंटियर, मतलब कि केंद्र के ये इच्छा पर निर्भर करेगा कि राज्य को ये कुछ शक्तियाँ दें, तो ये एक अंतर आ जाता है. और फेडरल में क्या है कि दोनों को बराबर शक्तियाँ आपकी संविधान मतलब देता है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन स्पष्ट करके देता है कि हाँ ये शक्ति आपके पास है, ये शक्ति आपके पास है. लेकिन जो आपका यूनिटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है कि केंद्र को सारी शक्तियाँ मिलती हैं संविधान के द्वारा, और उसके बाद वो केंद्र पर डिपेंड करता है कि वो राज्य को शक्तियाँ देना चाहता है या नहीं देना चाहता है. क्लियर, मूविंग ऑन नेक्स्ट. लिखित
कठोर और सर्वोच्च संविधान। जो संघात्मक व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, संविधान जो होता है वो रिटन होता है, लिखित होता है, और कठोर होता है, बहुत रिजिड होता है, ठीक है। और सर्वोच्च संविधान होती है मतलब कि यहाँ पर संविधान की ही सर्वोच्चता होती है। लेकिन एकात्मक में ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि लिखित हो संविधान, कठोर हो और उसी की सर्वोच्चता हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, परंपरा आधारित वहाँ पे नियम इत्यादि हैं, मतलब परंपरा आधारित संविधान है, ठीक है। जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को उन्होंने नियम कानून बना लिया, उसी के माध्यम से लोग शासन करते हैं। और कठोर भी नहीं है, मतलब चेंज, परंपराएं तोड़ी भी जा सकती हैं, चेंज भी की जा सकती हैं। सर्वोच्च संविधान ऐसा भी नहीं कि संविधान की सर्वोच्चता है, वहाँ पे ये रहता है भाई समय के हिसाब से जो चीज़ें रेलिवेंट हैं उनको लेकर चला जाए, जो नहीं है उनको छोड़ा जाए। ओके अच्छा ठीक है, इसे देख लिया आपने। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो फेडरल सिस्टम होता है इसमें न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है ना। और इसमें एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है यही संविधान का मतलब जो कहती है वही संविधान होता है, न्यायपालिका जो कहती है वही संविधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एकात्मक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो और आइए कुछ इस विशेषताओं को देखते हैं। द्वितीय द्वितीय द्विस्तरीय सरकार, मतलब इसमें आप देखेंगे तो टू स्टेज गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एक को आपको सेंटर पे, दूसरा आपका फिर स्टेट मतलब कि प्रोविंस पे मतलब प्रांतों पे। और इसमें जरूरी नहीं कि दो स्तरीय हो सकता है कि एक ही पावर जो है सेंटर में सबसे ज़्यादा हो और नीचे कोई पावर उस तरह की नहीं हो, ठीक है। दो सरकारें ना हो, एक ही सरकार हो और वहीं से नीचे से जो है पावर्स जो है झलक छलते छलते नीचे तक आए, ठीक है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका फेडरल सिस्टम है इसमें दो स्तरीय सरकार होती है, प्रांतों में अलग सरकार और सेंटर में अलग सरकार। लेकिन एकात्मक में जरूरी नहीं है कि आपका दो स्तरीय सरकार हो, एक ही स्तरीय सरकार हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ तक जितने पॉइंट हमने पढ़े, जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ तक पढ़े, वो सारे पॉइंट्स में मूल व्यवस्था है, मतलब एक मूल विशेषताएं हैं, एक मूल व्यवस्था है किसकी, संघात्मक की और इधर वाला एकात्मक की। तो ये वाला जो हमने पॉइंट अभी तक यहाँ तक पढ़ा द्वितीय द्विस्तरीय सरकार तक, ये मूल विशेषता होती है संघात्मक व्यवस्था की। और जो इधर के हमने पॉइंट्स पढ़े ये मूल व्यवस्था होती है एकात्मक व्यवस्था की, ठीक है, ये मूल व्यवस्था है। अच्छा कुछ अब ये देखें कुछ मतलब परंपरा में चली आई बातें हैं उनको देखते हैं। जैसे कि संघात्मक में बात करें तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, जरूरी नहीं है, हर जगह हो सकता है, कहीं कहीं नहीं हो सकता है। तो दोहरी नागरिकता मतलब कि आप सेंटर के नागरिक भी होंगे, जैसे कि यूएसए की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो यूएसए में क्या है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी नागरिक हैं, और कोई कैलिफोर्निया स्टेट है तो कैलिफोर्निया स्टेट के भी आप नागरिक हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, कैलिफोर्निया हुआ, मिशिगन हुआ, ठीक है, ढेर सारे वहाँ पे स्टेट हैं, तो 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट, तो उनमें उनकी भी नागरिकता आपको मिलती है और जो सेंटर आपका है उसकी भी नागरिकता मिलती है, ओके। लेकिन जो आपका यूनिटरी होता है सिस्टम, इसमें एकल नागरिकता होती है, मतलब अगर आप ब्रिटेन के मतलब रहने वाले हैं तो आपको केवल ब्रिटेन का नागरिकता मिलेगा, लंदन का नागरिकता अलग से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे एकल नागरिकता। जैसे भारत में भी ये सिस्टम अपनाया गया है तो आप इंडिया की ही नागरिकता आपको मिलती है, ऐसा नहीं कि आप यूपी के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग मिलेगी या फिर इंडिया की नागरिकता अलग मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। दोहरा संविधान होता है मतलब कि सेंटर का संविधान अलग और राज्य का अलग, 50+1। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो यूएसए में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं, इनमें जो है 50 स्टेट हैं उनका अलग अलग संविधान होगा, और जो एक आपका यूएसए का सेंटर है उसका एक अलग संविधान होगा। और यूनिटरी में क्या होता है, संविधान एक ही होता है, ठीक है ना, इनमें संविधान एक ही होता है और वो शक्ति सारी देता है केंद्र को, अब केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्यों को दे या ना दे। दूसरा, संघीय व्यवस्था में जो परंपरा के अनुसार है, निर्वाचन, लेखा परीक्षण और प्रशासन का दोहरा तंत्र पाया जाता है, मतलब कि पहले सेंटर करेगा फिर स्टेट करेगा, मतलब दोनों का अपना अलग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, इनका तंत्र एक ही होता है, नहीं भाई एक ही तंत्र है, उसी के माध्यम से चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें दोनों में अंतर जो दिखाई देता है, तो बस इसी अंतर को आपको समझाना था। मुझे लगता है कि आपको बहुत सिंपल बातें हैं, सिंपल तरीके से समझा लिखा गया है, इतने सिंपल तरीके से कि आपको बस पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे देख लें। अब बात करते हैं विशिष्ट परिसंघ, ये क्या है। भारत में मूल परिसंघीय लक्षण हैं लेकिन एकात्मक विशिषता भी है, ऐसा तो है नहीं भारत में मतलब आप देखेंगे जो संविधान है राज्यों को भी कुछ शक्तियाँ देता है, तो एक देखेंगे आपकी मतलब परिसंघीय लक्षण तो है, ठीक है, शक्तियाँ कुछ मिलता है और कुछ केंद्र के पास शक्ति है, कुछ राज्य के पास शक्ति है, कठोर संविधान भी है हल्का सा, लिखित है ही है, ठीक
ठीक है ना। तो इस प्रकार से निष्पक्ष न्यायपालिका है, और जो दो स्तरीय सरकार उसकी भी अवधारणा में दिखाई देती है। तो जो लक्षण है मूल रूप से परिसंघी लक्षण, मतलब कि संघात्मक लक्षण है, लेकिन ऐसा नहीं कि संघात्मक लक्षण ही है, बल्कि इसमें एकात्मक विशिष्टता भी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ समय ऐसे आते हैं जिन समूहों पर बिल्कुल जो स्वरूप है ना आपके इंडियन सिस्टम का, वो पूरा तरह से यूनिटरी हो जाता है। आपातकाल की स्थिति, अगर स्थिति की बात करें तो राज्यों की जो सरकारें होती है उनका कोई मतलब नहीं रहता है, पूरा सेंटर ही पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, उसमें आप देखें जो राष्ट्रपति शासन शासन लागू किया जाए किसी राज्य में, तो वहाँ पे भी पावर पूरा डायरेक्ट स्टेट से हट करके सेंटर के पास चली जाती है। तो कई ऐसी स्थितियाँ बनती जिसमें जो एकात्म विशिष्टता है बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है। भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है एक मिला जुला रूप है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि विशिष्ट परिसंघ, मतलब भारत में मूल परिसंघी लक्षण तो है लेकिन एकात्म विशिष्टता भी है। अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन करें कि भारत में मजबूत केंद्र क्यों, आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि भारत में केंद्र को मजबूत रखा गया, क्यों ना जैसे यूएसए का सिस्टम उस तरह से हमने अपना लिया, क्योंकि पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन हमारे पास ऐसा भी सिस्टम हमने कर रखा है कि बिल्कुल यूएसए की तरह ही स्ट्रक्चर हमारा ना रहा, बल्कि हमने कुछ ब्रिटेन से भी तत्व ले लिए, मतलब एकात्मक व्यवस्था को भी हमने अपने अंदर आत्मसात किया। तो ऐसा क्यों किया? देखिए, क्षेत्रीय विषमता सबसे बड़ा कारण, कि आप जानते हैं कि विभिन्न भाषावासी देश मतलब लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा को बोलते हैं, विभिन्न रहन सहन खान पान उनका है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के धर्म जाति इत्यादि के लोग हैं, तो एक विषमता बहुत ज़्यादा है भारत में। अब बाकी स्टेट में, बाकी कंट्रीज में देखेंगे आप, तो कोई एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनमें विषमताएँ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो है अलगाववाद की भावना बहुत कम जागृत होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्षेत्रीय विषमता है, तो इस प्रकार की भावना लोगों के अंदर जागृत होती है, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, ये सब भावनाएँ उठ उठ कर मतलब सामने आती हैं। तो इस प्रकार से अगर केंद्र मजबूत नहीं रहेगा तो कोई भी राज्य क्या करेगा भाई, उसके उसका संविधान अलग रहेगा, उसकी पावर्स अलग रहेंगी, तो वो राज्य अलग होने का प्रयास नहीं करेगा क्या कि भारत से अलग हो जाएगा? करेगा ना। तो इसलिए अगर सेंटर को मजबूत बना दिया जाएगा तो राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो पाएगा, ये हम मतलब इस तरह से हम एश्योर हो सकते हैं। फिर भारत का इतिहास भी एकात्मक देश के रूप में रहा है, चाहे आप अंग्रेजों की बात करें रिसेंट में, उन्होंने भी भारत को मतलब एक भारत के रूप में शासन किया है, या फिर मतलब ब्रिटेन की पद्धति से, या फिर आप कहें जो इससे पहले जो सम्राट इत्यादि रहे हैं, चाहे मौर्य काल की बात करें आप, चाहे जो मुगल काल उसकी बात करें आप, तो उससे पहले गुप्त काल इत्यादि, मतलब सब में आप देखेंगे कि एक एकात्मक देश के रूप में माना गया कि ऊपर सम्राट हैं, ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि मुगल बादशाह हैं ऊपर सबसे बाद, ठीक है ना, इस प्रकार से आप देखेंगे सम्राट हैं, या फिर मतलब इस प्रकार से एक हायरार्की वाला सिस्टम रहता है कि सबसे टॉप पे ये हैं और उसके बाद नीचे ये हैं, ये सुबह नीचे ये हैं, उस प्रकार सभी लोग कंट्रोल में रहते थे, मतलब जो राज्य विभिन्न प्रकार के राज्य हैं वो क्या दिल्ली के कंट्रोल में रहते थे, है ना, इस प्रकार के सिस्टम हमें देखने को मिलते थे। तो शुरुआत में इतिहास भी ऐसा ही रहा है, तो इस वजह से भी मतलब एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था यहाँ पे की गई। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस को देखेंगे, और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे और आपको उनका आंसर आप अपने फेसबुक पेज पर देंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक, लेकिन उसका एक उसकी आत्मा एकात्मक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के जैसा दिया गया है, अब आपको क्या करना है, इसे तोड़ना है। पहले आप बताएंगे भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है तो कैसे है, फिर आप बताएंगे उसकी आत्मा एकात्मक है, मतलब जब आत्मा निकल निकल कर बाहर आती है तो एकात्मक रूप हो जाता है उसका। तो इसको आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे मतलब डेवलप करते हैं, इस आंसर को करिए, बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन और 2016 में आया हुआ है कि चर्चा कीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघी संविधान निर्धारित कर दिया, चर्चा कीजिए। जो 1935 का जो एक्ट था उसने एक परिसंघी मतलब फेडरल सिस्टम वाला संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको निर्धारित कर दिया था। कैसे कर दिया था, चर्चा करिए। तो आप देखेंगे वहाँ पे ही जो मतलब केंद्र पे अलग और राज्य पे अलग व्यवस्था का प्रावधान किया गया था सरकार इत्यादि का, तो उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, हमने 1935 में बात कर रखी है पहले ही, तो उसको वहाँ से कर लेंगे, कुछ बातें वहाँ से लेंगे, कुछ बातें यहाँ से लेंगे, उसको ऐड करेंगे, का आंसर फ्रेम कर देंगे। 2016 में क्वेश्चन आया था ये। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें, यद्यपि परिसंघी सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है, मतलब जो संघात्मक व्यवस्था वाला जो गुण है वो प्रबल रूप से हमारे संविधान में है ना, लेकिन और कह रहा है कि वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक, मतलब जाहिर सी बात है संविधान में एक लक्षण के तौर पे है, जो आपके संघीय संविधान मतलब बातें हैं वो एक लक्षण के तौर पे आपके संविधान में है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधिक परिसंघवाद मतलब फेडरलिज्म सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, मतलब वही एक एकात्मक व्यवस्था भी हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। सही बात है, संघवाद अलग है, संघात्मक अलग है, और
एकात्मक अलग है, तो चूंकि एकात्मक लक्षण भी है तो जाहिर सी बात है एकात्मक लक्षण संघात्मक लक्षण का विरोध करेगा। कैसे करेगा, चर्चा करिए इसे आप। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2014 में आया था, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसे सॉल्व करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ थिंकर्स के बाद देख लेते हैं बातों को। संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, संघ कहते हैं भारत, ठीक है, संघ, जैसे कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपकी कोई समझौता नहीं, यहाँ पे संघ यूनियन मानते हैं। केसी वीर साहब कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म, मतलब अर्ध संघात्मक, पूरी तरह से संघात्मक भी नहीं मानते हैं, पूरी तरह से एकात्मक भी नहीं मानते हैं, बल्कि कहते हैं कि संघात्मक है लेकिन अर्ध संघात्मक है। आइवर जेनिंग्स अपनी बुक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कि एकात्मक लक्षणों वाला संघ है, मतलब एक ऐसा संघ जिसमें लक्षण जो है एकात्मक है, फेडरेशन विथ यूनिटरी फीचर्स। डब्ल्यू एच मोरिस जोन्स कहते हैं कि सौदेबाजी का संघवाद है, मतलब कि आलोचना करते हैं ये, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का संज्ञा देते हैं, कहते हैं कि एक सौदेबाजी का संघवाद है यहाँ पे, तो ये भी एक मतलब आलोचना के तौर पर आप इसे ध्यान रखेंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में प्रशंसा करते हैं ये, कि मिलजुल कर कार्य करने वाला भी ये संघवाद है यहाँ पे, एक दूसरे से सहायता से ये कार्य करने वाला है। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ नाम, कुछ थिंकर्स के बातों को यहाँ बताया गया है, इसे याद रखें आप और अच्छे से रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें इस लेसन को। संघवाद, संघात्मक और यूनिटरी जो व्यवस्था है, इसमें आपके जो विचार हैं बिल्कुल मतलब बस इतने से काफ़ी है, मतलब इतना से आप समझ जाएंगे कि क्या अंतर है दोनों में मूलभूत, और जो भारत का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार संघीय व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है, तो इसे देख लेंगे। अभी उससे हम कुछ और भी चर्चा करने वाले हैं इस पर, मतलब मैं आपको बता दूँ कि अगर सोच रहे हैं आप कि संघवाद और एकात्मक बस यहीं पर ख़त्म कर दिया हमने, तो ऐसा नहीं है, अभी आप ध्यान रखें, अभी कुछ और भी व्यवस्था, कुछ और भी चर्चाएँ इस पर हम करेंगे, उस समय आने पर चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड, ये था आपका आज का वीडियो, वीडियो का सलाह कमेंट बताएं, इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।